नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। 26 मई 2021 कल चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे होगा, सूतक काल का सही समय, गर्भवती महिलाएं जरूर करें ये काम। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे साल 2021 का ये जो पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 26 मई 2021 को, ये भारत में कितने बजे होगा और सूतक काल का सही समय। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से प्रकृति तथा मानव समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो। चंद्र ग्रहण का काफी प्रभाव पड़ने वाला है, यह पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है। साथ ही भारत के कुछ हिस्सों पर इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में यह एक उपछाया के रूप में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, यानी कि आंशिक रूप से दिखाई देगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ग्रहण का खगोलीय घटनाओं के अपने और वैज्ञानिक आधार होते हैं और ज्योतिषी आधार और महत्व कुछ और भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बता दें कि इसका असर यूरोप, अमेरिका, रूस, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में भी यानी पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के कुछ हिस्सों पे कुछ मिनटों के लिए दिखाई देगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 का ये जो पहला चंद्र ग्रहण होगा वो 26 मई 2021 को लगेगा और यह भारतीय समय अनुसार इसका जो सही समय होगा यह होगा दोपहर 26 मई को दोपहर 2:17 से शुरू होगा और शाम 7:19 पे समाप्त हो जाएगा, यानी कि इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 5:02 की होगी और सूतक काल ठीक चंद्र ग्रहण के लगने से 9 पहले प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि जो चंद्र ग्रहण 26 मई को 2:17 से लगेगा उसके ठीक 9 पहले सूतक काल मान्य हो जाएगा। दोस्तों जिस देश पे और जिस जगह पर, जिस राज्य पे जहां जहां दिखाई देगा वहां सूतक काल भी मान्य होगा। दोस्तों यह एक आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों बता दें कि भारत के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जो हमने आपको देशों के नाम बताए, वहां पर इसका पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। और दोस्तों इस बार यह अनुराधा नक्षत्र में और वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रभाव यानी कि वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र वाले जातकों के ऊपर सबसे ज्यादा इस चंद्र ग्रहण का दिखाई देगा, तो इन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। साल 2021 का ये पहला एकमात्र चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है, इसलिए यहाँ पर ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा क्योंकि भारत वर्ष में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी 26 मई 2021 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण की जो समय हमने आपको बताया कि ठीक 2:17 से शुरू होकर और ठीक शाम 7:19 पे जब ये समाप्त हो जाएगा, तो इस दरमियान यानी इस 5 घंटे 2 मिनट के दरमियान खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। गर्भवती महिलाएं किसी भी प्रकार की कोई धारदार वाली वस्तुएं ना छुएं और इस समय कैंची, सुई, चाकू का इस्तेमाल ना करें, लेकिन गर्भवती महिलाओं को एक सलाह दी जाती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वो भगवत चर्चना का नाम लें, श्रीमद भागवत महापुराण का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और दान दक्षिणा करने का संकल्प लें, लेकिन बाहर भी निकले ना, कहीं पर भी ना निकले, यानी बाहर नहीं निकलना है। और दोस्तों बता दें कि दिन में पड़ने के कारण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ हिस्सों पे दिखाई देगा, लेकिन इसमें गर्भवती महिलाएं ये जरूर काम करें। क्या क्या करें? इसमें आप जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो आप दान दक्षिणा अपने हाथों से दें और यथा योग्य अन्न का दान करें, अनाज का दान करें और आप फलों का भी दान कर सकते हैं, गुड़ और तिल का दान करें, लेकिन ग्रहण काल के दरमियान गर्भवती महिलाएं विशेषकर यानी कोई धारदार वाली वस्तु ना छुएं और खाने पीने की चीजें में तुलसी का पत्ता डालकर ही सेवन करें, अन्यथा ना करें। कोशिश यही करें कि आप इन नियमों को पालन करें। तो दोस्तों ये बहुत ही यानी कि लंबा चंद्र ग्रहण रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे इस आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।